हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बिगनर्स होते हैं और वो उनको सिनेमेटोग्राफी के लिए किट तैयार करनी होती है, तो वो सोचते हैं हम कौन सा लेंस लें। कैमरा तो ले लेते हैं लेकिन बाद में वो सोचते हैं जो हम कौन सा लेंस लें। जैसे उन सोनी का कैमरा लेने के बाद वो सोचते हैं सोनी के लेंस तो सारे काफ़ी महंगे आते हैं, अब हम कौन सा लेंस लें जो कि हमारे बजट में आ जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी में आपको बताऊंगा लेंसों के बारे में जो कि हमारे 1.5 लाख के अंदर में 4 लेंस आ जाते हैं जिससे आप अच्छा खासा सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला लेंस है वो है सम्यंका 18mm 2.8 लेंस। ये लेंस है वाइड एंगल लेंस है, तो आपको जैसे डेकोरेशन वगैरह लेनी है तो आप इस लेंस से डेकोरेशन वगैरह कवर कर सकते हैं वेडिंग में। और जैसे कि आपको जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपको ग्रुप वगैरह का डांस शॉट लेना और जैसे ग्रुप वगैरह कवर करने होते हैं तो वहाँ पे ये लेंस हमारा काफ़ी काम आता है। और ये एक वाइड एंगल लेंस है तो आपको काफ़ी अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है और एरिया भी काफ़ी कवर होता है। जहाँ हमें स्पेस कम मिलती है तो वहाँ पे हमें वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ये लेंस आपका काम करता है। बात करें इस लेंस की प्राइस की तो ये लेंस आपको 30,000 के अंडर में आ जाता है, जो कि ये लेंस काफ़ी अच्छा है। और बात करते हैं अब हम अपने दूसरे लेंस की, तो हमारा जो दूसरा लेंस है वो है सोनी का 35mm 1.8 लेंस। ये भी लेंस हमारा काफ़ी अच्छा लेंस है और ये जो हमारे बजट के अंदर आ जाता है ये लेंस, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपने बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर को देखा होगा जो मतलब कि वो 35mm लेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आप सोनी के महंगे लेंसों में जाएंगे तो काफ़ी महंगे लेंस आते हैं, तो अगर आपका बजट कम है तो आप ये सोनी का 35mm 1.8 लेंस लें। ये आपको अराउंड आ जाएगा 55,000 के अंदर में ये लेंस आपको मिल जाता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और 1.8 लेंस है, तो इससे आपका जो पीछे का एरिया जो ब्लर होता है वो भी काफ़ी अच्छा ब्लर करता है। और बात करते हैं हम अपने तीसरे लेंस की, तो वो आता है हमारा सोनी का 50mm लेंस, जो कि आपको हर सिनेमेटोग्राफर के पास ये लेंस ज़रूर मिलेगा। अगर कोई ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी करता तो उसके पास भी ये लेंस मिलता ही है, क्योंकि सब स्टार्टिंग में कैमरा ले लेते हैं और फिर वो कैमरे के साथ भी 50mm लेंस परचेज़ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सोनी का लेंस है 50mm 1.8, ये हमारा अराउंड आ जाता है 20,000 के अंडर में ये हमारा लेंस आ जाता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये हमारा सोनी का लेंस है, तो इसमें ऑटो फोकस वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होती। और हम बात करते हैं अब अपने चौथे लेंस की, तो हमारा चौथा लेंस है 85mm जो कि सोनी का है 1.8। ये लेंस भी हमारा काफ़ी कमाल का लेंस है और इस लेंस को सभी यूज़ करते हैं और 85mm भी जरूरी सब लेते हैं। क्लियर, जो सिनेमेटोग्राफर होते हैं उनको इन लेंस की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें बिल्कुल ही टाइट शॉट लेना है या बिल्कुल क्लोज शॉट लेना है तो वहाँ पे हमारे ये लेंस काफ़ी हद तक काम करता है। और इस लेंस से अगर आपके पास, अगर जैसे हम स्टेज वगैरह पे शूट करते हैं, आपको दूर से ही अगर आपको वीडियो बनानी है तो ये लेंस का यूज़ करते हैं हम और दूर से भी शूट कर सकते हैं और हमारा जो इसका रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और बात करें इसके प्राइस की तो ये लेंस हमारा 50,000 के अंडर में आ जाता है और ये लेंस 1.8 है, तो आपको जो इसके में बुके देखने के लिए मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, और जो हमारा मतलब सब्जेक्ट के पीछे जो आपको ब्लर मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप मैंने आपको बता दिए कि सिनेमेटोग्राफी के लिए आपको बजट में ये 4 लेंस आ जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।